पैसों की पीर रही है डिम्पी, हमेशा पैसे को ही इसने सलाम किया है, मगर होगा इस बार बुरा हश्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी एक ऐसा करेक्टर है इस धारावाहिक में जिसको इंस्टेंट कर्मा मिलते हैं। डिम्पी ने मगर उससे कुछ सीखा नहीं, उसने उसी को सलाम ठोकी जो उसकी मदद करता है, जो उसको पैसों से सपोर्ट करता है, जो उसको मॉरली सपोर्ट करता है। मगर जैसे ही सपोर्ट उसकी अलग हुई, जैसे सपोर्टर को जरूरत पड़ी, डिम्पी अपने आगे निकल गई, दूसरी जगह पे उसने अपना रिश्ता बना लिया। किसी रिश्ते के काबिल नहीं है ये डिम्पी एक्चुअली। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल में, वीडियोस में डिम्पी को लेके कि डिम्पी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, डिम्पी जो है जो अपने माँ बाप की नहीं हुई किसी की क्या होगी। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि ज्यादा हो रहा है, मगर आज मुझे लगता है कि वो लोग सही बोलते थे। आज डिम्पी ने जो अनुज के लिए कहा कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, कमरे में बंद कर दो, सुन के मैं हैरान हो गई कि ये वही डिम्पी है जिसने अनुज को कहा था कि आप ही मेरा कन्यादान करोगे, मतलब बेटी बनी हुई है अनुज की, अनुज को पिता का दर्जा देती है, तो आज ये क्या बोल रही है। फिर याद आया कि डिम्पी ने जब अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं की, फिर इसके कर्मा का मैंने सोचा कि इसने किया कैसे और कैसे इसको कर्मा रिटर्न मिले। डिम्पी ने अपने माँ बाप की इज्जत सबके बीच उछाल दी, तो डिम्पी की अपनी इज्जत के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लगा हम सबको। वहीं पे एक माँ बाप की भूमिका निभाने आए अनुज और अनुपमा, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के डिम्पी की ना सिर्फ मदद की, डिम्पी को उसके पैरों पे खड़ा किया, बल्कि उसके अंदर इतना आत्मविश्वास डाला कि आज उसी आत्मविश्वास का उल्टा असर डिम्पी पे हुआ, उसी आत्मविश्वास ने इसका घमंड बना दिया, उनको भी इसने डिच किया। समर से शादी हुई, अनुपमा ने लड़कर समर से शादी करवाई अपने बेटे से। समर के साथ क्या किया, समर को उसी के परिवार से डिम्पी ने अलग कर दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अनुपमा को भी, डिम्पी को भी, क्योंकि समर की डेथ हो गई। इंस्टेंट कर्मा रिटर्न मिल रहे हैं डिम्पी को। उसके बाद जीवन एकदम नीरस, सब कुछ खराब, बेटा अंश मिला, मगर वहां पे डिम्पी की जरूरत क्या थी, पैसे वाला ससुर उसको पापा बना लिया कि यही मेरे पापा हैं, इनके पास ही मैं सुरक्षित हूं, नौकरानी बनी, सब कुछ किया, सिंपति गेन की। और जैसे ही चीजें हाथ में आई, जैसे ही टीटू मिला, जैसे ही लगा कि यहां पे ये सही है, तो डिम्पी ने वो रास्ता पकड़ लिया। आज टीटू कहां है, टीटू उस घर का नौकर बन के रह गया डिम्पी की वजह से, और डिम्पी क्या है, रानी बनी घूम रही है, तोशु पाखी से भी आगे निकली। तो क्या अब जो उसने कहा है अनुज के लिए उसका कर्मा उसको नहीं मिलेगा इंस्टेंट, बिल्कुल मिलेगा, और हशर इतना बुरा होगा कि टीटू भी इसको छोड़कर चला जाएगा और एक दिन अंश भी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और डिम्पी को अपने इन सारी लाइन ऑफ कर्मा से सीखना चाहिए कि मेरे साथ कब क्या हुआ और क्यों हुआ, अभी तक नहीं सीखा तो आगे सीख ले, शायद कुछ भला हो जाए, मगर लग नहीं रहा कि डिम्पी सीखेगी। हो सकता है अधिक काके कुछ उसको समझाए, कुछ करे, बट अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा, मगर आज उसकी ये हरकत देख के ये सारे के सारे कर्मा उसके याद आ गए दोस्तों। हो सकता है बरखा आगे आएगी लाइमलाइट में तो डिम्पी फिर से बरखा बरखा करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है, बट ये आपको कैसा लगा जान के, क्योंकि आप लोग भी इस बात से मुझे लगता है सहमत होंगे। क्या कहते हैं आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.